एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रिप्टो सिंह पे। दोस्तों बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में, बताएंगे ट्विटर पे क्या बड़ी अनाउंसमेंट निकल के सामने आई है, और आज मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या चल रहा है, और होल्डर्स बेबी डॉज के कितने और बढ़ चुके हैं, पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो नए लोग आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ट्विटर का लिंक है, जाकर फटाफट उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाला है। और दोस्तों मार्केट के अंदर कोई भी छोटी बड़ी न्यूज निकल के आएगी, सबसे पहले मेरे चैनल पर उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक तो आपने अभी तक कर दिया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले होल्डर्स की बात कर लेते हैं कि होल्डर्स कितने बढ़ चुके हैं आज की डेट में। तो 15,25,947 होल्डर्स हो चुके हैं, जो कि कल की डेट की अगर बात करें तो आज 1,000 के आसपास गेन हुआ है होल्डर्स के अंदर। चलते हैं इसके ट्विटर पर, लेकिन उससे पहले मार्केट का ओवरऑल व्यू जान ले। तो मार्केट द्वारा से फिर करेक्शन में चली गई है, तो BTC कॉइन लगभग आधे परसेंट के आसपास डाउनफॉल दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और टोटल मार्केट लगभग रेड सिग्नल ही देती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों चलते हैं इसके ट्विटर पे क्या बड़ी अनाउंसमेंट निकल के सामने आई है। सबसे पहला ट्वीट आया मोस्ट ट्रेंडिंग मेमे कॉइन BNB चैन लिस्ट 24 आवर्स की जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है, उसमें बेबी डॉज पहले नंबर पे पाया गया। दोस्तों 10.8 मिलियन का कारोबार कर चुका है बेबी डॉज, जो कि एक बड़ा चल रहा है दोस्तों कारोबार। बेबी डॉज विल बी सरप्राइज यू दिस ईयर, तो क्या डू यू एग्री दोस्तों, इस साल सरप्राइज बड़ा दे सकता है बेबी डॉज? तो बिल्कुल दे सकता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डर्स बेबी डॉज के ही हैं। मोस्ट एक्टिव BNB चैन की एक रिपोर्ट और सामने निकल गया है। हाईएस्ट मार्केट कैप की अगर बात करें तो उसमें भी बेबी डोज नंबर पहले पे है, सबसे बड़ा मार्केट कैप बेबी डोज पे ही चल रहा है दोस्तों, 3.350 मिलियन का चल रहा है दोस्तों मार्केट कैप बेबी डोज पे, जो कि बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों। डू यू वांट बाइनेंस लिस्ट बेबी डोज? तो अब होने के चांसेज बढ़ चुके हैं बाइनेंस पे लिस्ट बेबी डोज के, क्योंकि दोस्तों आपके सामने है बेबी डोज ने कल बड़ी बर्निंग एक की है। तो बर्निंग बड़ी करेगा, सप्लाई कम करेगा, तभी जाके इसकी बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होनी जरूरी हो जाएगा। अब चांसेस बढ़ चुके हैं दोस्तों बेबी डॉज के लिस्ट होने के बाइनेंस पे ऊपर। बेबी डॉज 45K ट्वीट हो चुके हैं दोस्तों, ट्विटर पे तो ट्रेंडिंग में बेबी डॉज रहता ही है, डेली आपको देखने को मिलता ही है दोस्तों। और एक और बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, मोस्ट ट्रेंडिंग मेमे कॉइन इन BNB चैन लिस्ट 24 आवर्स की जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, तो बेबी डॉज का ग्राफ सबसे बड़ा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। 9 मिलियन डॉलर्स का कारोबार हो चुका है यहाँ भी, जो कि एक अच्छी बात है। 45% के आसपास टोटल सप्लाई बर्न कर चुका है बेबी डॉज दोस्तों। कल भी मैंने बताया था कि 4 क्यू ट्रिलियन बेबी डॉज ने कॉइन बर्न कर दिए हैं, जो कि एक बड़ी बर्निंग इवेंट जो मैं डेली बताता था अभी आने वाला है वो आ चुका है कल, और इस मंथ और भी बर्निंग बड़ी आने वाली है दोस्तों, ये और बता देता हूँ। और एक रिपोर्ट और सामने निकल के आई है, मोस्ट एक्टिव मेमे कॉइन वेट हाईएस्ट मार्केट कैप की, ये भी रिपोर्ट है दोस्तों 350 मिलियन, इसके ऊपर भी बेबी डॉज आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ट्रेंडिंग में कौन कौन से कॉइन ने सबसे ज़्यादा बर्निंग की है वो भी लिस्ट आपके सामने है दोस्तों। तो नंबर दूसरे पे बेबी डोज है, 44.80% कॉइन बर्न कर चुका है बेबी डोज, लगभग आधी सप्लाई कह सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी बर्निंग बड़ी आने वाली है दोस्तों। 4 क्यू ट्रिलियन की बर्निंग आने वाली है, अभी अभी आई है जो बर्निंग वो तो बहुत ज़्यादा कम थी दोस्तों, 109 क्यू ट्रिलियन की बर्निंग टोटल आने वाली है। तो रीट्वीट इफ यू बिलीव बेबी डोज हैज 1,000x प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि दोस्तों बड़ी बर्निंग आई है तो बड़ा इसमें अंदर गेन भी देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि इसमें डाउनफॉल ही बना रहेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा पैनिक मोड में है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से आपको पता ही है, दिसंबर से लेके मार्केट डाउन चल रही है, लेकिन जब अब जो आगने वाला टाइम है दोस्तों, इसमें मार्केट पंप जरूर करेगी। इस साल भी मार्केट अपने हाई को छुएगी, और सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाला कॉइन इस साल का यही बनने वाला है दोस्तों बेबी डॉज ही। मुझे तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। बेबी डॉज टू 5 मिलियन होल्डर्स दिस ईयर, इस साल क्या 5 मिलियन होल्डर हो सकते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल हो सकते हैं। कंग्रेचुलेशन टू ऑल बेबी डॉज होल्डर्स, बिग न्यूज कमिंग, जल्द बड़ी न्यूज आने वाली है दोस्तों। बेबी डॉज कह रहा है कि जल्द ही आपको खुश करने की खुशखबरी आने वाली है दोस्तों। मेटावर्स में बेबी डॉज ने एंट्री काफ़ी दिन पहले ही बना ली थी दोस्तों, वो मैंने ये टोटल मैं आपको सप्लाई दिखा देता हूँ दोस्तों। 24 आवर्स में 4.2 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन बर्न हुए हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर 109.9 ट्रिलियन बेबी डॉज बर्न होने अभी बाकी हैं। तो बड़ी बर्निंग इवेंट इस महीने और भी देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर इतनी बड़ी बर्निंग देखने को मिलेगी तब भी पॉसिबल होगा बाइनेंस, कुकवेन और अदर एक्सचेंजों पर लिस्ट होना इसका। अगर इस लिस्टिंग इसकी हो जाती है इन एक्सचेंजों पर, तो दोस्तों 1,000x प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े प्रॉफिट इसके अंदर इसी साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, अभी प्राइस क्या चल रहा है भाई आज की डेट के अंदर बात करेंगे। तो रैंक चल रहा है 2887, प्राइस की बात करें तो 0.6042 1442 चल रहा है, लगभग काफ़ी डाउन आ चुका है इसका प्राइस।
तो इस प्राइस के अंदर दोस्तों किसी ने भी एंट्री बनानी हो, सबसे बढ़िया जगह यही है एंट्री बनाने की दोस्तों। और इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ग्राफ पूरे का पूरा नेगेटिव ही नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात कर लेते हैं दोस्तों 1 रुपए के जो आज कॉइन आ रहे हैं, तो 69 लाख से भी ज्यादा आ रहे हैं, जो कि थोड़े दिन पहले 40 लाख थे, 50 हो गए, अब 69 लाख हो गए, क्योंकि बेबी डोज ने अपना प्राइस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया है दोस्तों। ट्रेंडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 13% डाउन और भी जा चुका है, तो और भी इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और कहाँ कहाँ लिस्टिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, कहाँ से आप बाय कर सकते हो, गेट आईओ से, होबी ग्लोबल से, यूनिस्वैप से, पॉलिनिक्स पे, ओएकेएक्स पे और एल बैंक से आप जाके इसको बाय कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों बेबी डॉज ने अपना प्राइस लगभग आधा कर चुका है बेबी डॉज दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर गेन देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट में डाउनफॉल बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर भी डाउनफॉल है। आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को इसी साल के अंदर मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मेरे से कोई न्यूज़ छूटने वाली नहीं दोस्तों। सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश मैं ही करता हूँ और करता भी रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।